आईएसआईएस को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। बेहद सख्त रुख अपनाते हुए ट्रंप ने पहली बार इसके सफाए का अपना खास प्लान दुनिया के सामने रखा है। क्या है ट्रंप का ये सीक्रेट प्लान, बताते हैं आपको। प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार सदन को संबोधित किया और इसी भाषण में ट्रंप ने अपनी स्ट्रेटेजी बताई। ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर से आईएसआईएस के आतंक का खात्मा करने के लिए वो मुस्लिम देशों का सहयोग लेंगे। ट्रंप ने माना कि मुस्लिम कंट्रीज के सहयोग के बिना वो आईएसआईएस को नेस्तानाबूद नहीं कर सकते। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि वो इस्लामिक आतंकवाद से अमेरिका को बचाने के लिए कटिबद्ध हैं और किसी भी कीमत पर अमेरिकियों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप ने पहली बार मुस्लिम देशों का साथ लेने की बात कही है। इससे पहले मुस्लिम देशों से दूरी बनाए रखने वाले ट्रंप मुस्लिम देशों के खिलाफ सख्त रुख के लिए ही जाने जाते थे, लेकिन अब आईएसआईएस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर ट्रंप लोहे को लोहा ही काटता है वाली स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। देखना है कि मुस्लिम देशों का आईएसआईएस के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने का ट्रंप का ये प्लान कितना कारगर साबित होता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।